राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं एक ऐसी वीडियो लेकर के आया हूँ जिसे हमारे देश में तो लोग नकारते हैं, लेकिन दूसरे देश उसे मान रहे हैं, पहचान रहे हैं, जिसका नाम है नरक मंदिर। जी हाँ, थाईलैंड में बना हुआ है नरक मंदिर। मेरे एक मित्र ने मुझे एक छोटी सी वीडियो भेजी जिसमें वहाँ के नरक मंदिर के फोटो थे। बचपन में हम कभी जैसी करनी वैसी भरनी देखा करते थे और उसी के आधार पर जब हमने देखा, अरे ये तो वाकई बहुत अच्छी जानकारी है, तो हमने उससे कुछ और वीडियोस मांग ली और उसी के आधार पर हम आपको यह वीडियो दिखा रहे हैं। मैं सारा श्रेय अपने उस प्रिय मित्र को देना चाहूँगा। आइए देखते हैं नरक मंदिर को। थाईलैंड का नरक मंदिर सनातन धर्म और धर्म बौद्ध धर्म से प्रेरित विश्व का यह इकलौता नरक मंदिर है जहां श्रद्धालु नरक के दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर को वहां वेद में केट नोई मंदिर कहा जाता है। मान्यता है कि यहां जो भी दर्शन करने आता है उसके पापों का प्रायश्चित हो जाता है। इस मंदिर की सभ्यता तथा संस्कृति पर काफ़ी हद तक भारतीय प्रभाव देखा जा सकता है। चियांग माई शहर में लगभग 300 मंदिर हैं जो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से लगभग 700 किलोमीटर दूर है और यहीं पर स्थित है नरक मंदिर। लेकिन यहाँ का नरक मंदिर अपने आप में न केवल अनूठा है बल्कि पूरी दुनिया का इकलौता मंदिर है जहाँ लोग पाप का प्रायश्चित करने आते हैं। जैसा कि नाम से ही विदित है कि यह मंदिर सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि देखने में भी नरक की तरह ही दिखाई देता है। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ देवी देवताओं की मूर्तियों के स्थान पर मृत्यु के बाद आत्मा को नरक में दी जाने वाली यातनाएं प्रदर्शित करने वाली मूर्तियाँ हैं। यहाँ की हर मूर्ति नरक की पीड़ा और कष्टों को दर्शाती है। साथ ही ये मूर्तियाँ दर्शाती हैं कि किस अपराध के लिए नरक में कौन सी सजा दी जाती है। लोग या मृत्यु के बाद आत्मा द्वारा बुरा कर्मों के लिए भोगे जाने वाले कष्टों को देखने आते हैं। इस मंदिर को बनाने का मूल विचार बौद्ध भिक्षु प्राको विसानजालिकोन के मस्तिष्क में आया था। वे लोगों को बताना चाहते थे कि पाप करने तथा दूसरों को पीड़ा पहुंचाने का परिणाम अंत में दुखदायी होता है। लोग मृत्यु के बाद आत्मा द्वारा भोगे जाने वाली नरक की पीड़ा और कष्टों को महसूस कर और देख सकें ताकि लोग भविष्य में बुरे पाप कर्म करने से बच सकें। कहा जाता है कि इसी परिकल्पना को करते हुए उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। यह परिकल्पना हिंदू पुराणों से ली गई है जिसमें नरक में बुरे कर्म करने वालों को यातनाएं दी जाती हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा नरक के बारे में आपको बताने का प्रयास करते हैं। वैसे तो 84 लाख नरक बताए गए हैं लेकिन उनमें से 36 नरक महत्वपूर्ण हैं जिनके बारे में हम आपको एक एक कर बता रहे हैं। हिंदू धर्म के अनेक प्रसिद्ध ग्रंथों की कथाओं में देवी देवताओं के साथ साथ स्वर्ग और नरक का उल्लेख भी किया गया है। बड़े बड़े ज्ञानी और महात्मा और व्यक्ति स्वर्ग की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करते थे। हम अपने बड़े बुजुर्गों से अक्सर कहते सुनते आए हैं कि अच्छा कार्य करोगे तो पुण्य मिलेगा और स्वर्ग में जाओगे, नहीं तो नरक में जाओगे। पुराण ग्रंथों में बताया गया है कि जो व्यक्ति सत्य बोलता है तथा सदैव धर्म के रास्ते पर चलता है, मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दूसरी तरफ अधर्म, हिंसा और असत्य बोलने वाले व्यक्ति और गलत कार्य करने वाले व्यक्ति मृत्यु के उपरांत नरक की कठोर यातनाओं को भुगतते हैं। यह शरीर नश्वर है और आत्मा अजर अमर है। यह आत्मा मरने के बाद कहाँ जाती है
इसका पुरा ग्रंथों में पूरा वर्णन मिलता है कि यम अर्थात यमराज दो रूपों में कार्य करते हैं। जो लोग धार्मिक कार्यों में लिप्त रहते हैं तो उन्हें यमराज धर्मराज बनकर लेने आते हैं, और जो लोग गलत कार्यों में लिप्त रहते हैं उन्हें यमराज यम बनकर लेने आते हैं। पुराणों के अनुसार जीवात्मा 84 लाख योनि में भटकने के बाद मनुष्य जन्म पाती है। इसे नीचे से ऊपर उठने की प्रक्रिया कहा जाता है और इसे ही ऊर्ध्व गति कहते हैं। यदि मनुष्य अपने पाप कर्मों से फिर से नीचे गिरने लगता है तो इस गति को अधोगति कहते हैं, और अधोगति में गिरना ही नरक में गिरने के समान है। महात्माओं ने अनेक स्थानों पर इसे इस प्रकार वर्णित करते हुए समझाया है कि जिस तरह हम रात्रि में अचेत होकर सो जाते हैं और तब हम हर तरह तरह के अच्छे और बुरे स्वप्न देखते हैं, यह हम अच्छे स्वप्नों को स्वर्गीय तथा बुरे सपनों को नरक की अनुभूति मान सकते हैं। गरुड़ पुराण, जो पक्षीराज गरुड़ और भगवान विष्णु के बीच का संवाद है, इसमें बताया है कि स्वर्ग नरक मृत्यु और यमलोक क्या है। गरुड़ पुराण के अनुसार यमराज चित्रगुप्त के माध्यम से मृत आत्मा को नरक में भेजने से पूर्व उसके द्वारा पृथ्वी पर किए गए कर्मों का हिसाब उसे बताते हैं और सजा सुनाते हैं। सजा सुनने के उपरांत यमराज अपने दूत चंड और प्रचंड को बुलाते हैं और उन्हें आज्ञा देते हैं कि किस आत्मा को कौन कौन से नरकों में लेकर जाना है। यमदूत व्यक्ति को एक पास में बांधकर यमलोक से नरक की ओर प्रस्थान करते हैं। कहा जाता है कि 84 लाख योनियों के अनुसार ही 84 लाख प्रकार के नरक हैं, जिनका भोग व्यक्ति को अपने कर्म के अनुसार भोगना पड़ता है। फिर भी पुरा ग्रंथों में 36 प्रमुख प्रकार के नरकों का वर्णन मिलता है। हम एक एक करके आपको उनका वर्णन और उसमें मिलने वाली सजाओं के बारे में बताएंगे। महाविची नामक पहला नरक का वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि ये खून से भरा है तथा इसमें वज्र के समान कांटे हैं। इसमें आत्मा इन कांटों में बिंधकर कष्ट पाती है। कहा जाता है कि इस नरक में गायों की हत्या करने वाले व्यक्ति को सजा दी जाती है। गाय का वध करने वाला इस नरक में 1 लाख वर्ष तक रहकर कष्ट भोगता है। दूसरे नंबर पर कुंभीपाक नरक। इस नरक की भूमि गर्म रेत और अंगारों से नदी रूप में बनी हुई है। इस नदी में किसी की जमीन हड़पने वाले या ब्राह्मण की हत्या करने वाली आत्माएं सजा पाती हैं। नंबर 3, रौरव नरक। जो लोग अपनी सारी जिंदगी असत्य बोलते हैं या झूठी गवाही देते हैं, ऐसे व्यक्ति मृत्यु के पश्चात इस नरक में आते हैं। यहाँ इन्हें ईख या गन्ने की तरह कोलों में पेला जाता है। नंबर 4, मंजूस नरक। इस नरक में निर्देशों को बंदी बनाने वालों को सजा दी जाती है। ये नरक अग्नि की सलाखों से बना है, जहाँ दोषियों को डालकर जलाया जाता है। अप्रतिष्ठित नरक। इस नरक में धार्मिक वृत्तियों को सजाने वाले लोगों को सजा दी जाती है। यह नरक मलमूत्र तथा पीव पस से भरा पड़ा है। इस नरक में दोषी को ऊपर से उल्टा लटकाकर नीचे गिराया जाता है। विलेपक नरक। यह नरक निकलते हुए लोहे की आग के समान है। इस नरक में अपने जीवन में मदिरा पान करने वाले ब्राह्मण जाते हैं, इन्हें इस आग में झोंक दिया जाता है। महाप्रभ नरक। यह नरक बहुत ऊंचा है। इसमें बड़ा सा शूल गड़ा हुआ है। जो व्यक्ति किन्हीं पति पत्नियों में विभेद करवाकर उनसे अलग करते हैं, उन्हें इस नरक में ऊपर से डालकर बड़े शूल द्वारा छेदा जाता है। जयंती नरक। इस नरक में एक विशाल चट्टान है। जो व्यक्ति पराई स्त्रियों के साथ अवैध संबंध बनाते हैं, उन्हें इसी चट्टान के नीचे दबा दिया जाता है, जहाँ ये
सजा पाते हैं। शालमली नरक, ये नरक कटीले शालमली वृक्षों से भरा पड़ा है जो कि 20 कोस यानी करीब 40 किलोमीटर लंबा और उसकी ऊंचाई एक योजन लगभग 12 किलोमीटर चौड़ी है। यह पेड़ आग जैसे दहकता रहता है। इस नरक में परपुरुषों से संबंध बनाने वाली स्त्रियों को जलते हुए शालमली वृक्षों का आलिंगन करना पड़ता है। इसी नरक में पराई स्त्रियों से संबंध बनाने वाले को या कुदृष्टि रखने वाले पुरुषों को यमदूतों आग फोड़कर फेंक देते हैं। रौरव नरक, जो लोग खेत खलियान में आग लगा देते हैं और उन्हें युगों युगों तक इस नरक की अग्नि में पकाया जाता है। तामिश्र नरक, इस नरक में चोरों को सजा दी जाती है। यमदूत भयंकर अस्त्रों से चोरी जैसे अपराध करने वाले व्यक्तियों को सजा देते हैं। अशीपत्र नरक, यह नरक अशी नामक वृक्षों का बना है। इन वृक्षों के पत्ते तलवार की धार के समान तेज होते हैं। मित्रों को धोखा देने वाले इसी नरक में आते हैं, जहां वर्षों तक इस वन में भटककर और पत्तों से कट फट कर दुख पाते रहते हैं। करम्ब बलू का, यह गर्म बालू रेत और अंगारे के कुएं के रूप में है। इसमें पाप कर्म करने वालों को 10,000 वर्षों तक यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। कड़मल नरक, यह नरक मलमूत्र एवं पीव से भरा है। जो व्यक्ति अपने जीवन काल में पंचयज्ञ नहीं करते उन्हें इस नरक में गिराया जाता है। काकोल नरक, यह नरक कीड़ों मकोड़ों एवं पीव से भरा हुआ है। जो दूसरों के दिए बिना अकेले मिष्ठान खाते हैं उन्हें इस नरक में गिराया जाता है। महावट नरक, यह नरक मुर्दों को कांटों से भरा। महावट नरक, यह नरक मुर्दों और कांटों से भरा हुआ है। अपनी बेटियों को बेचने वाले को इस नरक में डाला जाता है। तिलपाक, इसमें गिराए जाने वाले लोगों को तिल की तरह पैर पेर कर उन्हें दंड दिया जाता है, इसलिए इसका नाम तिलपाक है। इस नरक में दूसरों को सताने वाले लोगों को डाला जाता है। महाभीम, यह नरक सड़े हुए मांस मदिरा और रक्त से भरा हुआ है। यहाँ अपने जीवन काल में मांस मदिरा और अखाद्य पदार्थों का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों को सजा दी जाती है। वज्र कपाट, वज्र के समान कठोर द्वार वाले इस नरक में निर्दोष पशुओं पर अत्याचार और उनका वध करने वाले और पशुओं पर अत्याचार करने वाले उनका दूध या दूध से बने उत्पाद बेचने वालों को सजा दी जाती है। तेलपक, इस नरक में लोगों को गर्म तेल की कढ़ाई में पकाया जाता है, इसलिए इसका नाम तेलपाक नरक है। इस नरक में शरण में आए हुए अर्थात शरणागत की मदद नहीं करने वालों को सजा के रूप में तेल की कढ़ाई में डालकर पकाया जाता है। वज्र कपाट, यहाँ पर वज्र की श्रृंखला के ऊपर कष्ट दिया जाता है। जो लोग दूध बेचने का व्यवसाय करते हैं वे यहाँ पर प्रताड़ना पाते हैं या सजा पाते हैं। निरुच्छ्वास, इस नरक में अंधेरा है, यहाँ वायु नहीं होती। जो लोग यहाँ दिए जा रहे निरुच्छ्वास नरक, इस नरक में अंधेरा है, यहाँ वायु नहीं होती। जो लोग दिए जा रहे दान के लिए विघ्न डालते हैं उन्हें यहाँ फेंका जाता है। अंगारोपच्य, जैसा कि नाम से विदित है, अंगारों पर पच्य अर्थात अंगारों पर पचाया या पकाया जाना। यह नरक अंगारों से भरा है। जो लोग दान में देने का वादा करके भी दान देने से मुकर जाते हैं वे यहाँ अंगारों पर पचाए अर्थात जलाए या सेके जाते हैं। महापापी नरक, यह नरक हर तरह की गंदगी से भरा है। हमेशा असत्य या झूठ बोलने वाले इसमें औंधे मुँह गिराए जाते हैं। महाज्वाल नरक, इस नरक में हर तरफ भयंकर आग जलते रहने के कारण इसे महाज्वाल नरक कहते हैं। हमेशा ही पाप कर्म में लिप्त लोग इसमें जलाए जाते हैं। गुरुपाक नरक, इस नरक में चारों तरफ गर्म गुड़ के कुएं हैं जिसमें गुड़ पकता रहता है। जो लोग वर्ण संकरता फैलाते हैं उन्हें इस नरक में सजा दी जाती है। किरकच नरक, इस नरक में तो आरे लगे हुए हैं। इस नरक में उन लोगों को सजा दी जाती है
जिन्होंने गलत संगति में पढ़कर असंख्य पाप करने वालों वाले होते हैं, वे ही इस नरक में सजा पाते हैं। छुरधार, अपने नाम के अनुरूप छुरे की धार जैसे अस्त्रों से भरा पड़ा है। यहाँ दूसरों की भूमि हड़पने वाले ब्राह्मणों को सजा दी जाती है। अम्बरीश, यह प्रलय आदि के समान आग जलती रहती है। जो लोग सोने की चोरी करते हैं वे इस आग में जलाए जाते हैं। वज्र कुठार नरक, यह नरक वज्रों से भरा है। जो लोग पेड़ काटते हैं उन्हें यहाँ लंबे समय तक वज्रों से पीटा जाता है। परिताप, आग से भरे हुए इस नरक में मधु की चोरी करने वाले व दूसरों को जहर देने वाले व्यक्तियों को सजा दी जाती है। कालसूत्र, यह नरक वज्र के समान सूत से बना हुआ है तथा इससे दूसरों की खेती को नष्ट करने वाले व्यक्तियों को सजा दी जाती है। कश्मल, यह नरक नाक और मुंह की गंदगी से भरा हुआ है। इस नरक में मांसाहार में रुचि रखने वाले लोगों को गिराया जाता है। उग्र ग्रंथ, यह लार मूत्रवृष्ठा और अन्य गंदगियों से भरा है। जो लोग पितरों को पिंडदान नहीं करते वे यहाँ लाए जाते हैं। दुर्धर, यह नरक सांप और बिच्छुओं से भरा है। सूदखोर और ब्याज का धंधा करने वाले इस नरक में भेजे जाते हैं। वज्र महापीठ, यह यमदूतों द्वारा लोगों को भारी वज्रों से प्रताड़ित किया जाता है। इस नरक में ऐसे लोगों को सजा दी जाती है जिन्होंने कभी भी कोई पुण्य नहीं किया हो। जिन लोगों का रोजगार ही दूसरों की हत्या करना हो उन्हें इस नरक में यमदूतों द्वारा अग्नि में जलाकर कोड़ों से मारकर प्रताड़ित किया जाता है। ये तो मुख्य मुख्य ये तो थे मुख्य मुख्य 36 नरकों के बारे में जानकारी। ऐसे ही नरकों के बारे में जानकारी भरी पड़ी है हमारी गरुड़ पुराण में, और उन लोगों के नाम और कार्य भी जो पाप कर्म करते हैं और नरक जाते हैं। आपको हमारा प्रयास कैसा लगा? यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो कृपया इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो लाइक करें तथा अपने दोस्तों तक भेजें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।